अस्सलाम, कैसे हैं आप? सब बड़े से ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमारे पास के जाएगा डायरेक्ट की प्रैक्टिस के बारे में, जो स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिस नंबर टेस्ट नंबर 6 से। कॉपी पेंसिल उठा लें आप लोग, और ये आपने कॉपी करनी है, कॉपी आंसर लिखना है बच्चों, कॉपी है ये सेंटेंस यहाँ लिखा भाई, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, और आपने सवाल पढ़ना है, आंसर आपने कॉपी में लिख लास्ट में लिखना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मैं साथ से आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा सॉल्व करवाते हुए, ठीक है? अब डाले हेडिंग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6 और 1 to 4, पहले 1 देखें, पढ़ें गौर से, आंसर लिखें बोर्ड डाल के। फर्स्ट लिखा हुआ है एलेक्स सेज आई लव टू लर्न रिपोर्टेड स्पीच, चाहे आपको मिलेंगे 30 सेकेंड टू राइट द आंसर, ठीक है, हर सवाल में। ओके, क्वेश्चन 1 का आंसर देख ले बच्चों, एलेक्स टेल्स दैट शी लव्स टू लर्न रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब चेंज क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वहां सेज है, इसे लव्स हो, शी लव्स, ठीक है, पर ही लव्स एलेक्स। नाउ सेकंड पढ़िए, एलेक्स सेड आई एम इन द क्लासरूम, आप अपने लिख के दिखाएं, लिखिए फटाफट, एक दो बार लिखे पैर से कुछ, ठीक है बच्चों, लिखें। यस, आंसर मैच करें बच्चों, एलेक्स टोल्ड दैट ही वाज इन द क्लास, ही आया वाज, वाज क्यों आया? बिकॉज वहां पर सेड है। पर थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड में हमारे पास जो आंसर है वो है मारिया, मारिया सेड आई विल लर्न इंग्लिश सून, तो इसको आप चेंज करेंगे, यू गॉट 30 सेकंड मिले हमें, ठीक है, ओके, इसका आंसर मिला है Maria told that I मिलेगा बच्चों फर्स्ट पर्सन से, Maria से, she would, will के पास क्या होता है, would learn English soon, yes answer, okay। नंबर 4 पे आइए बच्चों, LaRoche will say I am writing a letter, अगर रिपोर्टर की स्पीच will से में हो या फिर से में हो, यहाँ स्टोर में हो तो यहाँ टेंस चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना, बनाए खुद से फटाफट। इसका आंसर है LaRoche will tell that I मिलेगा इससे he is writing a letter, ठीक है, ऐसे आंसर है बच्चों, ओके गुड। गो ऑन, टेस्ट नंबर हमारा कौन सा होगा बच्चों, 7, ओके, टेस्ट 7 का है। ओके, कॉपी निकालें, कैसा बस हमें लिखें और नहीं क्या लिखा हुआ है फर्स्ट। अच्छा बच्चों, जो डायरेक्ट डायरेक्ट में अगर आ जाए यूनिवर्सल, जब यूनिवर्सल यानी हकीकत, प्रोवर्ब्स आ जाए, यूनिवर्सल आ जाए, तो उसे टेंस कम चेंज नहीं करते, बेस्ट पॉलिसी प्रोवर्ब्स है, टू एंड टू मिक्स फोर प्रोवर्ब्स है, गॉड इज वन यूनिवर्सल जुमले हैं, इसी वजह से यूनिवर्सल सेंटेंस कहते हैं, उसका टेंस कम चेंज नहीं करते, ठीक है। अब आप देखें 1 से 4 मैच करें, बुलाएं, नाउ आई टेल द आंसर, फर्स्ट का आंसर उसने टोल्ड दैट द अर्थ इज राउंड, इज ही रहेगा, यूनिवर्सल सेंटेंस है। सेकंड देखें, मार्टिन टोल्ड दैट देयर इज गॉड, आज ही आएगा। थर्ड देखें, मारिया
ओके स्टूडेंट नंबर थर्ड को देखिए गौर से, मारिया सेड वर्निस इज बेस्ट पॉलिसी. क्या बच्चे बनेगा? मारिया टोल्ड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट, या वाज हियर इज द बेस्ट पॉलिसी. ठीक है, ये इनमें कौन से यूनिवर्सल है? ओके, क्लियर है? और देखें, फादर सेड ट्रूथ नेवर फेल, ये भी सच्ची बात है. इसका आंसर और फादर टोल्ड दैट ट्रूथ नेवर फेल. ठीक है, सही आंसर है. टेस्ट सेवन हमारा मुकम्मल हो गया. आगे बढ़ा जाए, ये इसको नाम मैंने क्या दिया, यूनिवर्सल. यूनिवर्सल जुमले में टेंस हमारे क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है. ठीक है बच्चों, तो मूव ऑन एट पैथ. ये सब मुश्किल है, आसान है, मुश्किल क्या बच्चों? अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करोगे तो गलती आपसे नहीं होगी. ठीक है, सुने गौर से. शी सेड आई एम नॉट कमिंग टू अटेंड द वेडिंग. गैस करें क्या होगा? लिखें और सकते हैं, खुद सॉल्व करें. मैं टाइम दे रहा हूँ ताकि आप शॉर्ट शॉर्ट में लेक्चर बना रहा हूँ ताकि आपको आराम से आसानी में आ जाए. ठीक है, इतना लंबा बनाऊंगा तो आप सुनते सुनते दिमाग पक जाएगा. इसलिए 10 से 15 मिनट के लेक्चर बना रहा हूँ ताकि उसमें आराम से आप लेक्चर कवरअप करें, आपका माइंड फ्रेश रहे. अगर मैं 20 मिनट की बना दूँ वीडियो, 30 में बना दूँ वीडियो, तो आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे. इसलिए मैंने क्लिप शॉर्ट वीडियो बनाई मैंने, ताकि आप उसको आराम से अंडरस्टैंड करें इन अ प्लेजर मोड में. ओके, वन का आंसर, शी टोल्ड दैट शी वॉज नॉट कमिंग टू अटेंड द वेडिंग. आई किसे मिलेगा? ऑफ कोर्स शी से मिलेगा, शी वॉज सेड है तो वहां वॉज आएगा. नंबर टू पढ़े, आंसर खुद से लिखे, पहले आंसर लिखे आप लोग उसके बाद. ठीक है, आंसर लिख रहा, आंसर सबने कॉपी करने बच्चों, ये आसान नहीं मुश्किल है. लेकिन एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे प्रॉपर वे में तो आपकी गलती नहीं होगी. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों बहुत ज़्यादा. अगर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ साथ लेक्चर, आप देखिए वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप लेक्चर दोगे तो ऑफकोर्स आपके लिए आसान ही है, इसको अंडरस्टैंड करना पाना मुश्किल है बहुत. सेकेंड पे आते हैं, ही टोल्ड दैट ही had been watching his, my मिलेगा his है, his favorite movie. He had been watching his favorite movie. ऐसे आंसर है, ऐसे आना चाहिए बच्चों. नंबर थर्ड देखें, I said I am looking for a job here. क्या बनेगा? और से देखें, सॉल्व करें खुद से फटाफट. थर्ड सेकंड में बच्चे बनाते हैं, मेरे स्टूडेंट क्लास में मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है. एक सेकंड अगर आपका 30 से 40 मिनट बन जाता है तो ऑफकोर्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है. अगर मिनट अबव जा रहे हैं, आप देर में बना रहे हो, तो ऑफकोर्स गलती कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. नंबर थर्ड देखें, थर्ड में आई टोल्ड दैट आई वॉज, आई से जब आई मिलेगा तो ऑफकोर्स आई रहेगा. इंटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब हेयर का क्या होगा? हेयर. और देख लें, पढ़े गौर से पहले, बहुत आसान सा है. शी सुना आंसर, शी टोल्ड मी दैट इट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल बिजनेस. हाँ बच्चों, तो फिर क्या रहा? टेस्ट एट में चार सेंटेंस थे, चार ठीक बने आपके. सबकी बात ग्रुप पे मुझे इन्फॉर्म कर देगा कि कहाँ से आ रहे हैं, और अगर नहीं बन रहे तो ऑफकोर्स आप लेक्चर पिछले मिस किया हुआ. ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं. गुड जॉब, शाबाश. नंबर वन टेस्ट नंबर 8-9 पे आते हैं. अब 9 जो हमारे पास सेंटेंस, इसके अंदर ये जो टाइप कॉन्ट से ज्यादा इसमें ये हमारा है इंपेरेटिव है. ये पहचान क्या इंपेरेटिव की? वो शुरू होता है वर्ब से.
सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए व्हाट से फर्स्ट देखें, ही सेड प्लीज हेल्प मी, आई डोंट वांट टू लीव दिस जॉब। हेल्प प्लीज हेल्प मी हमारे क्या है, टाइप ऑफ कौन सा इंपेरेटिव है। ही रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्ट है तो प्लीज यहाँ से गायब कर देंगे, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। यहाँ सेमीकोलन, ही आई हमारा, ऑफकोर्स हमारा आई क्या हमारा है, आई हमारा है फर्स्ट पर्सन, यहाँ तो हमारा बनेगा ये आई, इससे मिलेगा ऑफकोर्स, इससे मिलेगा तो ये हमारे क्या बनेगा ऑफकोर्स, ये ही, और यहाँ हमारे क्या आएगा डिड नॉट, हमारे क्या आएगा कटेगा, और यहाँ पे क्या होगा डिड नॉट वॉन्ट टू लीव दिस क्या होगा दैट जॉब, ठीक है। ऐसे बनाएगा आप लोगों ने आंसर, ओके। सी नंबर टू, द कमांडर, जो कमांडर हो, पुलिस हो, जो जो ऑर्डर कर दे, कमांडर ऑर्डर्ड, यहाँ हमारा ये कटेगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये कटेगा और यहाँ आएगा ऑर्डर्ड, आएगा ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड टू मार्च वन सोल्जर, सिंपल, मार्च वन सोल्जर्स यानी मार्च वन, यस का आंसर लगाओगे, द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मार्च ऑन, यस का आंसर, एंड फुल स्टॉप। थर्ड देख लें, इसका इंपेरेटिव टू लगेगा। थर्ड देखें, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू शट द बुक क्विकली, ओके टू आएगा, टू इंपेरेटिव टू लगाते हैं जो बनाते हैं डायरेक्ट फॉर्म। फोर देख लें, शी सेड टू सर्वेंट इन द रूम अगेन क्विकली, शी सर्वेंट्स को हमेशा रिक्वेस्ट को भी करें, हमेशा को ऑर्डर करेंगे, शी ऑर्डर्ड अ सर्वेंट टू क्लीन द रूम अगेन क्विकली, यस का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चारों अपने आपने आंसर को मेरे आंसर मैच करो, कि अगर आपका आंसर ठीक जा रहे तो ठीक है, अगर आप गलती की तो आपको आप उसको देख कर आप एनालाइज करें, आगे आप ठीक कर लो, ठीक है। Now move on to the next. Practice number हमारे क्या होगा, होगा 10 होगा। ठीक है, ये जो हमारा दसवां practice है हमारा, ये कौन सा है, किताब आपका हमारे कौन सा है, interrogative है। पार्ट ए एंड पार्ट बी, पता है ना पार्ट ए पार्ट बी क्या होता है बच्चों, पार्ट ए जो शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से और पार्ट बी शुरू होता है डब्ल्यू एस से, ठीक है। दोनों कौन से टाइप है, इंटरगेटिव थे, बट पार्ट ए पार्ट बी नाम दिया मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या होता है, आप पहले कॉपी दिखा लें, पहले सॉल्व खुद करेंगे, आई विल टेल द आंसर। Okay. Now see the first one. अब सवाल ये है तो आपको ये हमारे क्या है, ये पार्ट ए है ना, ये पार्ट ए है, अब इसको बनाते हैं। She asked, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको मी चुका, she asked me if you, किसे मिलेगा me से, she asked me if I knew who, फिर who लिखा, अभी आई फर्स्ट है किसे मिलेगा, इसे हु शी वाज एंड फर्स्ट स्टॉप आएगा, आंसर ये होगा। देख लें बच्चों, फर्स्ट आई न्यू टू, ये करेक्ट, ठीक है। नंबर सेकंड में देख लें, ऐसे आंसर बच्चों आपके भी, ओके एंड में आप आएगा। सेकंड देखें,
He said, "What is the street number of your house?" अब यहाँ होगा हमारा. He asked, "What the street number of my house was?" What the street number of योग से मिलेगा हमारा. Of course, यहाँ पे मिश बाबा my house was होगा. एंड में was आएगा. थर्ड देखें. Father said, "Do you still intend to leave your job?" यहाँ मिश बाबा है, ठीक है ना. यू जब आ जाए तो आपको ऑब्जेक्ट मिलाना है. Father asked if you मिलेगा इससे I still intended to leave my job. And full stop. Okay. और देख लें. She said, "Why are you crying here?" ये WH वाले हैं. WH वाले में if लगाते नहीं है. She asked, "Why I was crying here?" अब यहाँ मिश बाबा तो आपको इसका आंसर बनेगा हमारा. She asked, "Why I was crying there?" And में ये आंसर. ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर हमारा 10th मुकम्मल हो गया. पैटर्स हमारे पास इंशाल्लाह कमिंग में हम पढ़ेंगे 11th 12th. हर वीडियो में 5-5 लेक्चर है. ठीक है बच्चों, आई होप दैट यू अंडरस्टूड लेक्चर वेरी मच. अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे नंबर आप ऑलरेडी गिवन है वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी. अपना बहुत बहुत ख्याल, और इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है जब भी आप कंट्रोल में आएंगे. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.